हाँ हेलो हेलो ऋतुराज भैया बोल रहे हैं। जी, आपका घर कहाँ हुआ? आप कौन बोल रहे देखिए, आप जो न्यूज चला रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सब हैं? अंधविश्वास है, ठीक? आप ही नहीं जी सोचिए कि दो चार को चमचा उसका लग गया आपके पीछे बोल दिया, तब डरिएगा नहीं, समझे? हम जो भी बोल रहे हैं, हम देखिए, हम ओपन होना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक अवधेश जी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। अब मित्र को समझाया ही नहीं जा सकता है कि अंध पढ़ लिख के बकैती जी कर रहे हैं, अंधविश्वास वाला बात। ये सही है, भगवान है, ये अच्छा बात है, लेकिन भगवान का दलाल ये सब फोकटिया है। अब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इधर भभकी से नहीं डरिएगा, समझे? जो जो लोग आज आपके विरोध में हैं खड़े हुए, वो सब उनके चमचे हैं, ठीक? हमको आपका न्यूज अच्छा लगा, सही कर रहे हैं, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए और डरिए नहीं इस सब चीज से, समझे? आपका नाम? पत्रकार बन क्या हुआ, आपका नाम? छोड़िए, नाम हम जान के क्या कीजिएगा, लेकिन हमको अच्छा लगा तो हम आपको बता दिए। कहाँ से हैं ऐसे? ऐसे मेरा घर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक? हम अवधेश जी को हम जानते थे, तो हम आपका फेसबुक पे पेज फॉलो कर रखे हैं, अच्छा, तो हमको न्यूज मिला पेज के माध्यम से, अच्छा लगा। देखिए, समाज में इतना अंधविश्वास है कि कितना सुधारिएगा, लेकिन आप एक प्रयास कर रहे हैं तो भी ठीक है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो या मुस्लिम में भी ऐसा थोड़ी है कि मौलाना लोग भी ऐसा करता है। तो उसको भी रिलाई करेंगे, मौलाना का दीजिए तब तो और बवाल मचेगा हिंदू देखिए, सब सब सही उसका। है, आप जो कर रहे हैं सही, लेकिन आदमी ये चीज समझेगा तब, देख रहे हैं उसको कितना सीरियस ले रहा अरे, है। हमारा हालत खराब करने का पूरा कोशिश कर दिया तो वो तो बल्कि हम देखिए रहे हैं। अवधेश जी को हम एक दिन इस बात पे हमसे हम हमारे मित्र थे वो, समझे? पढ़ते थे हम लोग, क्लासमेट थे। वो लड़का के बारे में हम नस नस जानते हैं, उसको पता है, बोलने तक सही से नहीं आता था। ये धीरे 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 10 गो के सामने बैठ बैठ के बकैती करना, नेतगिरी करना सीख लिया, बस उसके बाद हो गया पत्रकार। पत्रकार मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, ठीक? आपका घर कहाँ हुआ वैसे? शेरपुर, मेरा घर हुआ शेरपुर। और ई फतेहा शेरपुर। रियलिटी है ये चीज, अंधविश्वास जो है ना, अंधा। हम पहले दिन देखे थे, हमारे मन में ये बात हुआ है, वो न्यूज पर हम देखे थे, बस अड़िया पैर और छुआ रहा था, वो पूरे एकदम अथी नौटंकी लगेले था और सब आदमी खूब जय हो जय हो कर रहा था। उनको डीएसपी देखिए, भगवान है, ईश्वर है, उनको हम इसी को मानते हैं। डीएसपी बुला के अलर्ट किया कि देखिए वो जो है 100 आदमी से साइन करवा के दे दिया, क्या लिखा है कि 100 आदमी के आस्था को आपने ठेस पहुंचाया, इसलिए अभी हाँ आप छोड़ दिए, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, 100 आदमी लिख के देगा तो हमको मजबूरन एक्शन लेना ही पड़ेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत हुआ, सोचिए डीएसपी किसी को उतना समय नहीं देता। कहाँ का डीएसपी था? दल सिंह से रहे थे। इतना समय दे रहा है, वो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, ऐसा थोड़ी है, वो भी हाँ, समझ रहे पढ़ा होंगे चीज, लिखा मैटर को रहता समझ। नहीं, हम आपका देखिए पत्रकारिता, हर लोग पत्रकार बनिए, पतल पतल चट्टाने बनिए, ये सब हो गया, किसी निष्पक्ष पत्रकारिता होनी उसका चाहिए। चमचा लोग हमको पतलकार लिखता है, देखिए अरे इनका गधा, वो तो चमचा है, वो चमचे किया है जिंदगी भर, तो क्या लिखेगा? मेंटल। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार जान लीजिए, जो आदमी जिसका विरोध होता है उसका समर्थन भी पुरजोर होता है, देर आएगा लेकिन समर्थन आएगा आपके पास। देखिए, हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आपका हम नंबर ऊपर करके फोन किए ना आपको, हमको अच्छा लगा आपको न्यूज। ये सब अंधविश्वास है, बोलने वाले बोलने लगे के लिए हम कमेंट में बोल सकते हैं, लेकिन हम ओपन नहीं होना। हम अगर कमेंट कर दिए ना तो बहुत लोग शॉक हो जाएगा, लेकिन अच्छा, हम ओपन नहीं होना चाहते हैं हम, लेकिन आंतरिक रूप से हम आपको समर्थन करते हैं। इस तरह का कोई हमारे घर कोई दिक्कत होगा, इशू होगा, तो एक बार याद कीजिएगा। आप अभी मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल आपको फोन ऑन कर रहा है, इसी नंबर कौन था जी, कौन सी नंबर फोन किया था 10 दिन आपको? नहीं, कौन शिवना कहाँ कोई? नहीं, वो वीडियो में देखे हैं आप, ऑडियो डाल रखे हैं, पूछे आप कौन बोल रहे हैं, तो हम शिवनाम दल सिंह सराय से बोल रहे हैं, फिर गाली गलौज करने लगा आपके। पता नहीं कौन था, ध्यान में भी नहीं है, इतने कॉल आया है ना। मटर में बहुत कॉल आ गया आपको ना? अरे लास्ट में वीडियो बनाया कि अगर आप कोई कॉल करोगे तो उसके ऊपर FIR करेंगे, तब जाके बंद किया कॉल करना। वही करवा रहा होगा।
हम पिछले दिन देखे नहीं कि आर्मी जो अध्ययन में डाला था अच्छी में, हमको लगा मन किया इसको बोलते हैं कि यही सब करते हैं, लेकिन हम कहे दूर विरोध का मतलब समझ रहे हैं ना, आदमी टारगेट ले लेता है, पर्सनली हम इस सब चीज में पढ़ना चाहते हैं ऐसे नहीं, लेकिन एक होता है नहीं अपना अपना बात रखना, अपना विचार रखना, पढ़े लिखे लोगों का ये सब काम नहीं है। चलिए ठीक है, आप अपना जिंदगी में आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, ठीक ये सब चीजें होला भाई, ये सब होली फोलिस आदमी से डराइएगा नहीं, लेकिन हम भारत के नागरिक है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कोई थोड़ी छीन सकता है, बोलना जरूरी है, मौलिक अधिकार मिला है वो थोड़ी को छीन सकता है, सही बात, बोलने पर उतर जाएंगे तो उसका पतल चट्टा सब सकेगा सामने।